सब्सक्राइब कीजिए टेक इंजीनियर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त यश। और दोस्तों, ये जो आप पैकेज देख रहे हो ये मैंने मंगवाया है Amazon से। ये है एक्सटर्नल, हमारा जो एक्सटर्नल वाईफाई अडैप्टर होता है। अगर आपके कंप्यूटर में भी आपके डेस्कटॉप में वाईफाई नहीं है तो आप एक्सटर्नल मंगवा पे अपने पीसी को वाईफाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और अंदर से ये कैसा है। इसके खोल को मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा है और कैसा दिखता है ये वाईफाई अडैप्टर, हमारा जो एक्सटर्नल वाईफाई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने अनबॉक्सिंग जो है वो वाईफाई अडेप्टर की कर ली है। ये जो दिखा रहा है हमें USB 2.0 वायरलेस 802.11n 300 Mbps, इसकी स्पीड भी जो है अच्छी दिखाई गई है। 300 Mbps जो है हमारा वाईफाई से कनेक्ट होगी तो स्पीड हमको ये पूरी देगा। और क्या क्या इसके साथ हमें मिला है ये अभी हम आपको इसको इस खोल के दिखाते कि अंदर इसके हमें क्या क्या मिला है। और जो इसकी पीछे जो हमें दी गई है इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसको भी ये निकाल के हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है वायरलेस USB अडेप्टर की। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, चलो हम इसकी इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो खोल लेते हैं इसे हम, और ऐसे खुल गया। और ये जो हमारी स्पेसिफिकेशन वाला जो इसके साथ मिला है, हमने ये कार्ड से ये भी निकाल दिया। और ये जो हमारा छोटा सा जो है वाईफाई, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्लूटूथ होता है। मैं एक्सटर्नल 802.11n जो है इसकी स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक्सटर्नल ब्लूटूथ मंगवाते हैं वैसी है ये। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज किया है कि इसको वाईफाई बनाया है। ये इसके साथ जो हमें पैकेज मिला है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें ये CD मिली है जिसके साथ हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको इंस्टॉल करने के बाद हम इस वाईफाई को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, अगर आपको आपका पास कोई भी कंप्यूटर है या लैपटॉप भी है पुराना या कोई भी है, इसके साथ वाईफाई एक्स्ट्रा उस अंदर उसके वाईफाई अगर नहीं आता, एक्सटर्नल वाईफाई आप ऐसे कनेक्ट करके उसको जो है ये सॉफ्टवेयर से वो कनेक्ट कर सकते हो। ये है इसकी स्पेसिफिकेशंस जो कि लिखी, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़नी है। इसके अंदर खाली है, कुछ भी नहीं अंदर। और ये CD को आपको इंस्टॉल करना होगा, इसके बाद ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये आप लगाएंगे ये छोटा सा डिवाइस, तो आपका जो है अपना का मोबाइल के साथ आप वाईफाई को जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे, अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर के साथ, अपने कंप्यूटर को वाईफाई बना के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें चीज़ें मिलती हैं इसके साथ। ये तकरीबन अमेज़ोन से मैंने मंगवाया था, तकरीबन मेरे को 300 रुपये का पड़ा है, 300 रुपये से भी कुछ कम का ही है, तकरीबन 250 से लेके 300 के बीच बीच। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्टैंडर्ड दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद इसका इंटरफेस आ जाता है जो कि 2.0 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसकी 2.4 से 2.48 GHz की वायरलेस स्पीड बताई गई है कि कितनी हमें स्पीड मिल सकती है इसमें। वर्किंग चैनल नंबर्स बताए गए हैं, स्पीड स्पेक्ट्रम बताया गया है। उसके बाद मॉड्यूलेशन टाइप है, वायरलेस ट्रांसमिट पावर है। उसके बाद LED लाइट स्टेटस है, डायमेंशन है इसकी, और ऑपरेट एनवायरनमेंट कैसे एनवायरनमेंट में कैसे टेम्परेचर में काम करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बताया गया है विंडो XP, Vista, विंडो 7, मैक, लिनक्स
और जो बाकी है विंडो 8 या विंडो 10 पे भी ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी और अनबॉक्सिंग भी हमारी जो हमने की है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और हमारे इस चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।